नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड में पूर्व भाजपा विधायक पर नक्सलियों ने किया हमला, बॉडीगार्ड की कर दी हत्या। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर मंगलवार को भाकपा माओवादी के नक्सलियों के हथियारबंद दस्ते ने हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस हमले में नक्सलियों ने विधायक के दस्ते में तैनात बॉडीगार्ड की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने यूनिवार्ता को बताया कि एक बॉडीगार्ड की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि दूसरा बॉडीगार्ड अभी लापता है। उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। इस नक्सली हमले के दौरान गुरुचरण नायक भी किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से भागकर जान बचाने में सफल रहे। वे सुरक्षित सोनुआ थाना पहुंच गए हैं। गुरुचरण नायक गोइल केरा थाना अंतर्गत प्रोजेक्ट स्कूल झील रुआ में आयोजित खेल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने गए थे। ये घटना शाम लगभग 6 से 6:15 के बीच है। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने गुरुचरण नायक के अंग रक्षकों के हथियार भी लूट लिए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।